गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखेंगे कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट सेंटेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। हियर इज अ क्विक रिविजन। सो यू ऑलरेडी हैव रेड अबाउट द फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन द अर्लियर क्लासेज, मीन्स इन द सेवंथ एंड सिक्स क्लास, दैट there are four types of sentences: declarative, imperative, exclamatory and interrogative. So let's have a quick revision. First one is assertive or declarative sentence. These are the sentences which state something, a fact, opinion or idea. The vast majority of sentences are of this type. So वो sentence जो कोई fact, opinion या idea बताते हैं, मतलब simple sentence जो हम कहें कि जो फुल स्टॉप से ख़त्म हो जाते हैं, जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हम उन्हें क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके दो टाइप भी होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट, नेवर, नो ऐसे वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव पॉजिटिव है क्योंकि He doesn't work, वो काम नहीं करता है, ये भी एक declarative sentence है पर negative. Now let's come to the second one, interrogative sentence. These are the sentence which generally ask something. ऐसे sentence जिसमें सवाल हो, ऐसे sentence जिसमें कुछ पूछा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, interrogative. For example, what is a sentence? Sentence क्या है? How is it different from clause? ये clause से different क्यों है? When are we having our next test? हमारा next test कब होगा? Did you say tomorrow? क्या तुमने कहा कल? तो ये सब क्या है, हमारे सवाल हैं, ends with question mark. So these are the interrogative sentences. Occasionally, interrogative sentence can express a request, an offer or a threat. कभी कभार ऐसा भी होता है, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो एक तरीके के रिक्वेस्ट भी होते हैं, या ऑफर भी होता है, या थ्रेट भी होता है, कि हम चॉइस दे रहे होते हैं सामने वाले को। फॉर एग्जांपल, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। शैल आई टेक योर लगेज, इट इज़ एन ऑफर। यू आर अंडर अरेस्ट, नाउ यू आर कमिंग विद मी, इट इज़ एन थ्रेट। सो दीज आर सम सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस द रिक्वेस्ट, ऑफर और थ्रेट, but comes under interrogative sentence. Now let's come to the third type of sentence, imperative sentence. These are the sentence which demand something expressed or order or request. Means imperative sentence वो sentences होते हैं जिसमें आप किसी और person को work करने को कहते हैं, in the form of command, request or suggestion, advice. So example are give me that book, मुझे वो book दो, ये command हो गया। Close the door, ये भी command हो गया। Please show me the way to the station, ये एक request हो गई। तो हम ऐसे sentences जिसमें order, request या advice हो, उसे हम क्या कहते हैं, imperative sentence. Such sentence have second person pronoun, namely you as a unstated but implied subject. They are also ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं मोस्टली, और इसके अंदर एक पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है यू, क्योंकि हम किसी को सजेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर करेंगे तो उसमें कोई पर्सन तो होना चाहिए ना जिसे हम ये कर रहे हैं, तो वो हमारा मोस्टली सब्जेक्ट होता है। जैसे गिव मी दैट बुक, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेकेंड पर्सन होगा यू गिव मी दैट बुक, तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, यू। यू क्लोज द डोर, प्लीज यू शो मी द वे टू द स्टेशन। इसके अंदर एक यू सेकेंड पर्सन होता है जो छुपा रहता है, और वही हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दीज आर सेंटेंस विच एक्सक्लेम और एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग विश और कमांड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर कोई विश, कमांड, इमोशन या फीलिंग हो, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ लवली रोज दीज आर, कितने सुंदर रोजेज हैं ये। मे ही लिव लॉन्ग,
काश उसकी उम्र लंबी हो. सो दीज आर द सेंटेंसेज विच हैव इमोशन और फीलिंग इन इट एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. चेंज द सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड. रिमेंबर नॉट टू चेंज द मीनिंग. हमें इनका फॉर्म बदलना है. जैसे हम चारों को आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी को इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को इम्पेरेटिव, तो ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे, पर हमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना है. सो द फर्स्ट वन इज दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस. चेंज टू एक्सक्लेमेटरी. वी कैन से व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस दिस इज. व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस दिस इज. पुट एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस दिस इज. सेकेंड वन, राधा फेल्ड इन हर अटेम्प्ट टू कन्विंस मी. नेगेटिव सेंटेंस. वी कैन से राधा डिड नॉट पास्ट इन हर अटेम्प्ट टू कन्विंस मी. राधा डिड नॉट पास्ट इन हर अटेम्प्ट टू कन्विंस मी. ये होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव है पर हमने मीनिंग नहीं बदला है. पास नहीं होना मतलब फेल होना ही होता है. राधा डिड नॉट पास्ट इन हर अटेम्प्ट टू कन्विंस मी. नेक्स्ट वन, तरुण इज नॉट हैप्पी विद द चेंज इन सिलेबस. चेंज टू अफर्मेटिव. तो हम लिख सकते हैं तरुण इज सैड विद द चेंज इन सिलेबस. तरुण इज सैड विद द हेल्प इन विद द चेंज इन सिलेबस. फोर्थ वन, हु डजंट नो हर. चेंज टू अफर्मेटिव. हु डजंट नो हर. तो हु डजंट नो हर, कौन उसे नहीं जानता, तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे. एवरीवन नो हर. एवरीवन नो हर. फिफ्थ वन, दे विल कम टू यू योर पार्टी. दे विल कम टू योर पार्टी. तो ये लिखेंगे विल दे कम टू योर पार्टी. विल दे कम टू योर पार्टी. चेंज इन टू इंटेरोगेटिव. सवाल बनाना है हमें. विल दे कम टू योर पार्टी. सिक्स वन, द चिल्ड्रन इन द स्लम्स आर पिटिफुल. द चिल्ड्रन इन द स्लम आर पिटिफुल. तो एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे हाउ पिटिफुल द चिल्ड्रन इन द स्लम्स आर. हाउ पिटिफुल द चिल्ड्रन इन द स्लम्स आर. देन पुट द एक्सक्लेमेटरी मार्क. सेवन्थ वन, आई एम श्योर एना विल बी एबल टू मेक इट टू प्रैक्टिस टूडे. आई एम श्योर एना विल बी एबल टू मेक इट टू प्रैक्टिस टूडे. चेंज टू इंटरोगेट टू टैग क्वेश्चन. टैग क्वेश्चन याद है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आगे हम छोटा सा टैग क्वेश्चन लगा देते थे. तो आप लिखोगे एना विल बी एबल टू मेक इट टू प्रैक्टिस टूडे. एना विल बी एबल टू मेक इट टू प्रैक्टिस टूडे कोमा isn't she. लिखना isn't she question mark. एट्थ वन, यू रियली मस्ट नॉट क्रिएट सच अ र्यूकस. यू रियली मस्ट नॉट क्रिएट अ सच अ र्यूकस. चेंज टू इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव में कहेंगे कि डोंट क्रिएट सच र्यूकस. हम यू को गायब कर देते हैं इम्पेरेटिव में. डोंट क्रिएट सच र्यूकस. नाइन्थ वन, वेन रतन्स मदर पास्ड अवे ही वॉज इनकॉन्सोलेबल. वेन रतन्स मदर पास्ड अवे ही वॉज इनकॉन्सोलेबल. राइट डाउन इन टू नेगेटिव सेंटेंस. लिखो वेन रतन्स मदर पास्ड अवे ही वॉज नॉट कॉन्सोलेबल. वेन रतन्स मदर पास्ड अवे ही वॉज नॉट कॉन्सोलेबल. टेंथ वन, कैंट यू टेल देम टू गो अवे. कैंट यू टेल देम टू गो अवे. राइट डाउन इन टू कन्फर्म अफर्मेटिव. टेल देम टू यू कैन टेल देम टू गो अवे. राइट डाउन यू कैन टेल देम टू गो अवे. इलेवेंथ वन, हरीश वुड यू पास द सॉल्ट टू हिम. वुड लाइक यू टू पास द सॉल्ट टू हिम. चेंज टू इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो जस्ट राइट पास द सॉल्ट टू हरीश. पास द सॉल्ट टू हरीश. ट्वेल्थ वन, आई थिंक सलीम नोज हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन. सो यू कैन राइट सलीम नोज हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन. सलीम नोज हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन कोमा इजंट ही. राइट
Right on, isn't he? 13th, this is terribly irresponsible of you. This is terribly irresponsible of you. Write down negative. You are terribly not responsible. You are terribly not responsible. 14th, can Yami not go in the other car? Can Yami not go in the other car? Change into affirmative. Yami can go in the other car. Yami can go in the other car. 15th, I request you to give me the keys. Change into imperative sentence. Please give me the keys. Write down. Please give me the keys. I request है तो please लगा दो और you तो हम वैसे silent कर देते हैं imperative में तो लिखती है लिख दीजिए please give me the keys. So this was your first chapter. I hope you have understood this. Complete this chapter and submit to your subject teacher and read it again. So thank you and have a nice day.